वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। एक्चुअली सीन क्या गया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जल्दी परफेक्टली बैठा नहीं था। तो अभी मैं पूरा मेरा जो भी बम्पर का है अपना, सॉरी स्प्लिटर निकाल के उसको पीछे साइड से पूरा लेवल करके देन उसके बाद जो कि क्रेटा का जो आए क्रेटा का लूँगा और वो इंस्टॉल करके एकदम परफेक्टली फिर इसको पूरा पेंट करेंगे अच्छे से एंड वापस उसको लगा देंगे फिक्स एकदम प्रॉपरली। बहुत फिट बैठा था, निकल रहा ही नहीं था, कैसे वैसे निकाला वो। तो अभी बाकी सब पेंटिंग वेंटिंग करते टाइम मैं आपको बताऊंगा इसका। पहले पहले फिल पहले ऐसे ही रखेंगे, पहले सब इसका पहले अपना वो लगा के लेंगे, बम्पर लिप लगा के लेंगे बराबर साइड से एच टू एच, देन उसके बाद जो भी वो करेंगे। ओके, तो अभी फ़िलहाल तो ये देखो मैं आपको बताता हूँ कैसा सीन था। ये देखो ये पीछे साइड से ऐसा कुछ था, ये देखो ये थोड़ा कर्वी है ना, तो उसके लिए परफेक्टली बैठ रहा नहीं था। तो अभी वो उसको पूरा प्लेन करेंगे यहाँ तक, देन उसको डायरेक्ट एजेस थ्रू बिठाएंगे। अभी एक काम करते हैं, पहले ये भी निकाल लेते हैं प्रॉपरली, देन उसके बाद क्योंकि एक बार फिर ये फेट हो गया तो निकलेगा नहीं। काट ला वालू, ये देखो ये आ गया। आता पूर्ण काय करणार, पहिले याला घेऊ, पेंटिंग करायलाच लागणार त्याला, हे सगळं काढू आणि याला लेवल करू। पहिले हेडं ना अशी लेवल करू, मग असं बरोबर बसेल, समजलं का? बघू लेवल करायला काय भेटतं आपल्याला। सो बहुत टाइम मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आया है भी देख सकते हो आप, प्रॉपर बहुत मेहनत लगी इसमें। मैंने पूरा स्प्लिटर ही उतार दिया है गाड़ी से, ये देख सकते हो। अभी मतलब रात में इतना जस्टिस नहीं होगा, बट ये जो है अभी प्रॉपर ये लेवल से पूरा यहाँ से, अभी ये थोड़ा गंदा हो गया, इसको प्रॉपर वॉश करने का अभी ये स्प्लिटर भी पेंटिंग को डालना पड़ेगा। ये सब उसका जो भी टचअप है निकाल लेंगे। ये देखो इससे थोड़ा खर्चा हो गया, प्रेशर पड़ा उसके वजह से, वहाँ पे स्क्रू मार देंगे हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली वो गीला है उसकी वजह से, अभी तक वो सूखा नहीं है प्रॉपर। तो यहाँ से पूरा ये प्रॉपर हो गया फिट, लगेगा बहुत अच्छा लगेगा, इतना डेप्थ आ गया। ज़्यादा भी रखेंगे तो पूरा ये अभी इतना ऐसा थिकनेस बता रहा, अभी लगने के बाद देखते रहे सर अच्छा ही दिखेगा पूरा भी भर, अभी वो दिख रहा है एक्चुअली। वो पहले कैसा जाता था, ये जो आधा पोर्शन है ना ये इतना गाय ऊपर इसके अंदर चला जाता था, तो दिखता इतना ही था। अभी प्रॉपर ये यहाँ से लेवल होकर आया है, अभी देखते हैं अभी कुछ तो करते हैं जुगाड़, इसको पेंटिंग को डालेंगे कल नहीं तो परसों, देखते हैं जैसा टाइम मिलेगा वैसा पेंटिंग को लगने के बाद फिर पूरा प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे वापस से। तो अभी डायरेक्ट सीधा जब पेंटिंग लगे जाएंगे तभी आपको दिखाता हूँ कैसे पेंटिंग करते हैं, ठीक है? अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फाइनली अभी 90% रेडी हो गए, ये पूरा नीचे से स्क्रूइंग करके, पहले नीचे पूरा सीलेंट से प्लेन एक कर दिया एम सील से, क्योंकि उस बेस किया ये बराबर फिट होने के लिए, उसके बाद पूरा उसको स्क्रोइंग किया। देखो यहाँ पे थोड़ा ब्लू भी लगाया क्योंकि पूरे जगह से ब्लू डाला है थोड़ा मैंने, तो ब्लू फेमी जॉन करके है। सो अभी यहाँ पे दो स्क्रू मारना बाकी है, बाकी तो पूरा हो गया, रेडी हो गया ऑलमोस्ट। सो फिर आज के लिए तो इतना ही है, अभी तो इसका ये बता दो थिकनेस जब कभी आपको आ जाएगा, ये देखो ऐसा फिर दिखेगा। ये तो खाली थोड़ा बॉन्ड डाले इसको, जैसे यहाँ पे एक स्क्रू आएगा तो दब जाएगा पूरा, थोड़ा गैप है बाकी तो पूरा पेंट होएगा तब प्रॉपर अच्छा दिखेगा। अभी तो इसको पेंट भी कराना है प्रॉपर, लगने के बाद अलग ही दिखने वाली है, अभी जब पेंट करूँगा तब बताता हूँ। सो फाइनली 3 दिन मेहनत करने के बाद कल तो मतलब
रात के 2 बजे तक पूरा प्रॉपर वो इंस्टॉल कर रहा था मैं, मतलब स्प्लिटर तो पूरा उतारा ही था गाड़ी से, उसका जो नीचे का जो लिप लगाना वो उसको ही 3-3.5 घंटा मेरे को गए वो प्रॉपर फिक्स लाइन में आने के लिए। सो अभी आप देख सकते हो प्रॉपर सब बाहर निकला है, प्रॉपर दिख रहा है वो पहले से बहुत ही, मतलब 100% अभी प्रॉपर काम हो गया है। पेंटिंग का नहीं किया मैंने क्योंकि पेंटिंग का मतलब इतना कुछ दिख रहा नहीं है, क्या सीन होता वापस पेंटिंग कराने लेके जाना पड़ता, फिर वापस उसको कवर करना पड़ता, तो उससे अच्छा मैंने कैंसिल ही कर दिया बिकॉज़ कुछ इतना कुछ ज़रूरत है नहीं, इतना कुछ है मतलब कुछ दिख रहा नहीं इतना कि पेंटिंग करने की ज़रूरत है, वो ब्लैक में मैच हो जाता है। सॉरी पूरा ये देखो लुक, सो ये लुक अभी खाली मेरे को जो छोटा सा गैप है ना वो मैं सीलेंट से पूरा ब्लैक सीलेंट से भर दूंगा तो फिर वो पूरा मैच होके प्रॉपर हो जाएगा। सो बस जिसको कराना होगा वो देख लेना यूट्यूब का वीडियो कैसे किया है मैंने पहली बार, मतलब सबसे ज़्यादा मॉड, इतने मॉड्स किए पर सबसे ज़्यादा तकलीफ ये इसमें ही हुआ है, ये इंस्टॉलेशन में बहुत मेहनत लगी है इसमें। अभी गाड़ी पूरी मतलब भरी हुई दिख रही है आगे से एंड प्रॉपर मस्त लुक आ रहा है। सो बस यही आपको अपडेट देना था कि जो पहला था वो क्या हो रहा था, पूरा अंदर साइड था, दिख के भी नहीं आ रहा था एंड वो बहुत एकदम पतला सा प्रॉपर फिटिंग नहीं आ रहा था उसका। सो अभी देखो प्रॉपर एकदम प्रॉपर फिटिंग आया एंड अभी वो पूरा मजबूत भी हो गया, पूरा एमसील से करके पूरा पहले बेस बना, वैसे आपको बता दिया बेस बना के उसमें स्क्रूइंग किया, निकलने का चांस ही नहीं, कुछ नहीं निकलने वाला अभी। सो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, वो आपको अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, मतलब पर्सनली देखो ना बहुत अच्छी लग रही है, मतलब एकदम ऐसा एग्रेसिव लुक आ रहा है, थोड़ा वाइड लग रही है गाड़ी अभी आगे से भरी हुई लग रही है। तो चलो अभी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, देखते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में क्या होता है, अभी धीरे धीरे अभी चालू हो गए, अभी इसको भी सितंबर में, सितंबर 5th सितंबर को इसका भी अभी 2 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो अभी उसकी भी थोड़ी तैयारी करनी है। सो चलो देखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।